Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about the deadlock detection in distributed system, and in this you will learn about the path pushing algorithm, edge chasing algorithm and Hora-Mamurti algorithm. So these are the very important algorithm that you have to learn. You have to understand what is the exact concept of these kind of the algorithm. So friends, if you have not subscribed the channel, subscribe the channel for more videos. So what is the deadlock? Deadlock detection, we know how we will detect the deadlock. Deadlock ka sirf ek hi meaning hai ki agar aapko kisi resource or process ke beech mein jab ek cycle form hoti hai, cycle ban jati hai, that is known as the deadlock. So the occurrence of a cycle between the resource and process in WFG. Here we are talking about the WFG distributed system. में जब हम deadlock की बात करते हैं तो WFG और resource allocation graph जो हमने पिछली बारी lectures में previous lectures में आपको बताया था, तो वो concept दो concept आते हैं. तो that is known as the WFG means wait for graph. How the resource and process are connected to each other and how they will access the process and process access the resources. So that is the utilization of the resources in the distributed system. So this graph known as the WFG wait for graph. So friends, so the occurrence of the cycle between resource and process in distributed system, that is known as the deadlock detection. Agar distributed system में जब process और resource के बीच में जब एक cycle generate हो जाती, cycle form हो जाती है और बन जाती है, तब उसको हम बोलते हैं डेडलॉक बन चुका है, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ द डेडलॉक. अब आता है कि डिटेक्शन ऑफ ए साइकिल इन WFG. सो दैट इज द वन लाइन डेफिनेशन ऑफ द डेडलॉक डिटेक्शन, मींस हाउ वी विल आइडेंटिफाई द डिटेक्शन इन डेडलॉक. सो डेडलॉक कैसे होगा, जब एक साइकिल फॉर्म आपको जैसी साइकिल एक बन जाएगी तो उसको डेडलॉक डिटेक्शन बोलेंगे. सो डेडलॉक डिटेक्शन इज द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी टू हैंडल द डेडलॉक्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कम्स हाउ टू डिटेक्ट एंड रिजॉल्व द डेडलॉक डिटेक्शन ऑफ द. सो द एल्गोरिथम मस्ट डिटेक्ट ऑल द एग्जिस्टिंग डेडलॉक इन द फाइनाइट टाइम. एक विद इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर डेडलॉक डिटेक्ट होना चाहिए. And the algorithm should not report non-existing deadlock. अगर deadlock all नहीं बना हुआ है तो इसको कोई इसके regarding कोई भी concern नहीं देना चाहिए. Now the resolution or recovery, all the existing wait for dependency WFG must be removed. तो जितने भी अगर इसके अंदर dependency है तो वो removed हो जाना चाहिए. डेडलॉक डिटेक्शन के तीन पैटर्न हैं, तीन टाइप्स के एल्गोरिथम्स हैं. सो वी कैन कंट्रोल द डेडलॉक. क्वेश्चन आता है एग्जाम में हाउ वी विल कंट्रोल द डेडलॉक डिटेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. सो वी कैन कंट्रोल द डेडलॉक डिटेक्शन इन थ्री टाइप्स और थ्री वेज. सो पहला जो टाइप्स है वो है सेंट्रलाइज्ड, सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड थर्ड वन इज द हायरार्किकल. तो सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम क्या होती है देखते हैं फ्रेंड. सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन मीन्स इस नाम से ही हमको पता चल रहा है, इट्स नेम इंडिकेटिंग दैट इन दैट सेंट्रलाइज्ड मीन्स ओनली वन पॉइंट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ द फंक्शनैलिटी. सारी फंक्शनैलिटी को गवर्न करने के लिए, अच्छे से लुक आफ्टर करने के लिए, देखभाल करने के लिए, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जस्ट लाइक ए सर्वर एक ट्रीट करता है एक पॉइंट. सो दैट इज नॉन एज द सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन. मीन्स इन दिस ओनली वन नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड बिल्डिंग द WFG. फ्रेंड्स वी हैव अगेन रीड आउट द WFG वेट फॉर ग्राफ दैट इज यूज फॉर टू डिटेक्ट द डेडलॉक. सो इन द डेडलॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो फ्रेंड्स इफ इन दिस only one node is responsible for building and analyzing a WFG. So the principle of centralized deadlock algorithm, here you can see each side maintain its WFG wait for graph and update the control side periodically. So jab bhi hum deadlock ko detect karna, to ye टाइमली और पीरियडिकली बार बार देखते रहते हैं कहीं डेडलॉक डिटेक्ट तो नहीं हो रहा, डेडलॉक बन तो नहीं रहा कहीं पर. और डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करते हैं, जब
रिसोर्स और प्रोसेस के बीच में एक साइकिल जनरेट हो जाती है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द. तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है कि सर जो नोड होता है, सर्वर होता है, वो बार बार हर एक नोड को देखता रहता है, चेक करता रहता है कि कहीं इसमें डेडलॉक अक्रेंस तो नहीं हो रहा है. नेक्स्ट वन इज द अ सेंट्रल कंट्रोल साइट. सेंट्रल कंट्रोल साइट मीन्स हियर द कोऑर्डिनेटर और सर्वर. कंस्ट्रक्ट द डब्ल्यू एफ जी एंड सर्च फॉर साइकिल. ऑलवेज लुक आफ्टर द साइकिल्स. सो कंट्रोल साइट मेंटेन द डब्ल्यू एफ जी कंटिन्यूसली आस्किंग ऑल द नाइबर्स नोड. जितने भी पड़ोसी या उसके नाइबर नियरेस्ट नोड्स जो रहते हैं उनसे बार बार पूछता रहता है और उसके बार बार अपडेट लेता रहता है कहीं इसमें बार फिर से कहीं डेडलॉक तो नहीं अकर्स हो रहा है, साइकिल तो नहीं जनरेट हो रही. सो दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम. सो ऑल साइट्स रिक्वेस्ट रिसोर्स एंड रिलीज द रिसोर्स बाय सेंडिंग द करस्पॉन्डिंग मैसेज. और जितना भी इसके अंदर लुक आफ्टर करते हैं सारी चीज़ मैनेज कैसे होती हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे पहला प्रिंसिपल, जो भी काम होगा वो सारे मैसेज के फॉर्म में होगा. तो जो भी इसमें कम्युनिकेशन होगा थ्रू द सेंडिंग द मैसेज. तो इसका सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन का जो मेन ड्रॉबैक है कि अगर सपोज एक सिस्टम जो हमारा सारी चीज़ को गवर्न कर रहा है, सारी सर्विसेज प्लेट कर रहा है, अगर वो बाय द वे फेल होता है तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा और उसमें कंजेशंस के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वर्स्ट केस इज दैट मोस्ट कॉन्स इज दैट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड कंजेशन. सेकेंड टाइप इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम. डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स यहाँ पे बहुत सारे नोड हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में. अगर बाय द वे जो सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर एक नोड फेलियर होता है तो उसमें क्या होगा, पूरे का पूरा साइट क्रैश हो जाती है, मीन्स बंद हो जाती है. जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने उसके ड्रॉबैक को ओवरकम किया. तो इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे नोड होंगे जो एज ए ट्रीट करेंगे कोऑर्डिनेटर की तरह और सर्वर की तरह. सो बाय द वे अगर एक नोड फेल होता है तो दूसरा नोड उसको एग्जैक्टली और उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिवेट हो जाएगा और उन सबको अच्छी से सारी सर्विसेज प्लेट करेगा. सो इन दिस ईच नोड मीन्स ऑल नोड्स पार्टिसिपेट्स इक्वली इन डिटेक्टिंग द डेडलॉक इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो डेडलॉक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर बहुत सारे नोड्स होंगे, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, रेप्लिकाज होते हैं जो बार बार देखते रहते हैं कि सर्वर में वहाँ पर नोड्स क्लस्टर्स में कहीं साइकिल्स तो नहीं बन रहे. तो यहाँ पर एक नोड रिस्पॉन्सिबल नहीं, यहाँ पर बहुत सारे नोड पार्टिसिपेट करते हैं एक ही काम को करने के लिए. सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर देन द सेंट्रलाइज. नाउ द प्रिंसिपल ऑल साइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ए ग्लोबल डेडलॉक एंड ग्लोबल स्टेट ग्राफ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मैनी साइट्स. सारी साइट्स पर एक ग्राफ बनता है कहाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितने नोड्स हैं और कहाँ पर डेडलॉक डिटेक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब इस टाइप की एल्गोरिथम का जो एक एडवांटेज है, सो दैट इज द नो सिंगल पॉइंट ऑफ द फेलियर एंड नो कंजेशन. सपोज अगर कोई पॉइंट फेलियर भी होता है, पॉइंट क्रैश भी हो जाता है एक नोड, तो इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ स्विचिंग हो जाती है और सारा काम चलता रहता है पैरेलल वे में. डिसएडवांटेज इसका मेन क्या है, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे नोड एक साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे हमको. सो दैट इज द एज रादर कंपेयर टू वी सेंट्रलाइज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नाउ द थर्ड टाइप इज द हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम. इट्स नेम इंडिकेटिंग दैट इन दिस ऑल नोड्स आर अरेंज इन द पैटर्न ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर और ट्री पैटर्न. हायरार्की के फॉर्म में सारे नोड अरेंज रहेंगे और इसमें भी सेम काम होगा इस एल्गोरिथम के थ्रू कि इसमें भी हमको जितने भी एंसेस्टर मीन्स चाइल्ड जितने भी नोड होंगे सभी में देखना पड़ेगा कहीं सभी किसी पर्टिकुलर चाइल्ड में या एंसेस्टर्स जिनको बोलते हैं कहीं उनके अंदर डेडलॉक तो नहीं बन रहा है, साइकिल्स तो नहीं बन रही. तो इसके अंदर भी सारे नोड एक्टिवेट होते हैं और सारे नोड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कोई एक पर्टिकुलर नोड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. बट इसमें हम कह सकते हैं हायरार्किकल में एक पर्टिकुलर रूट नोड होता है जो सारी चीज़ को गवर्न करता है, जस्ट लाइक द सेंट्रलाइज. सो द प्रिंसिपल ऑफ द हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम इन दिस द साइट्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल दैट इज नोन एज द ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म. इन दिस ईच नोड
हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपेंडेंट नोड्स, जो रूट नोड होगा उसके पास अपने सब चाइल्ड की सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग रहती है, उनके पास कंसिस्ट द ऑल काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंसेस्टर्स नोड. इन दिस द डेडलॉक इज डिटेक्टेड बाय द नोड दैट इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल साइड विच हैव रिसोर्स एलोकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट. सो डेडलॉक डिटेक्टेड इज द लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल नथिंग बट दैट इज द चाइल्ड, चाइल्ड्स लेवल्स. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन. सो हियर वी कैन सी दैट इज द एग्जाम्पल देर वेयर द ऑल द दैट इज द एंसेस्टर्स वेयर द डेडलॉक अकरेंस इज गिवेन. सो यू कैन सी हियर दैट इज द साइकिल्स इज जनरेटेड. सो वी कैन सी दैट इज द डेडलॉक इज डिटेक्टेड. सो फ्रेंड्स, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम. फर्स्ट वन इज द सेंट्रलाइज एल्गोरिथम, सेकेंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्शन एल्गोरिथम, थर्ड वन इज द हायरार्किकल डिटेक्शन. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल.